फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम हंड्रेड चैनल में स्वागत करते हैं। सभी छात्रों को बता दें कि अब आपका सोशल साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें हम पहला पार्ट लिए हैं इतिहास। इतिहास से किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इतिहास में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को आपको लाइन बाई लाइन, फैक्ट बाई फैक्ट आपको दिखाया गया है या फिर एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी छात्र इस पॉइंट बाय पॉइंट को इसको नोट कीजिएगा और आपको एक से एक टाइप के क्वेश्चंस को मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। बता दें, जो क्वेश्चंस है ये इतिहास से रिलेटेड है। किससे है? इतिहास से। पहला क्वेश्चंस क्या है? सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका संबंध किससे था? उनका संबंध था सुमेरिया से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपनिषद। उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर क्या हैं? पुस्तकें हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। यस, हम बात कर रहे थे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध धर्म के नेतृत्व किसके लिए नामित किया था? महाकश्यप को नामित किया था। अगला पॉइंट्स क्या है? महावीर का जन्म। महावीर का जन्म जनातिका ज्ञातृक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यस, अगला पॉइंट्स क्या है आप लोगों का? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ, जैन धर्म होता है उसमें पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? पूर्ण धन का अर्थ होता है कोयलो। अगर हम सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। जो सिकंदर था उनके हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। अगला पॉइंट्स क्या है? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध है। झेलम नदी के किनारे जो प्रसिद्ध है वो क्या है? हाइट स्पेसिस का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो मुरुगन जो देवता थे वो किसके उपासना करते थे? मुरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी। मुरुगन देवता की उपासना किसने किया था सबसे पहले? तमिलों ने सबसे पहले किया था। आपको इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट्स मिलेंगे जो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ऐसे भी कुछ कंटेंट्स मिलेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। किसने करवाया था? याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है? संगम काल में मंत्रियों को अमोचार्य कहा जाता है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? ओमचार्य कहा जाता था। अगला पॉइंट्स क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम, ये आपका जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका था। ये याद रखने वाली बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही हैं, इसलिए आप लोगों को पढ़ना कंपलसरी है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। स्वर्ण मुद्राएं, अगर हम बात करें स्वर्ण सोने वाली मुद्राएं जो होती हैं वो किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। अगला पॉइंट्स है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। जो मथुरा संग्रहालय है उसमें
किस मूर्तियों का या किस काल की मूर्तियों का संग्रहालय अधिक मात्रा में है? तो याद रखिएगा, कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रहालय अधिक मात्रा में है। अगला पॉइंट्स क्या है? प्राचीन भारत का महान व्याकरण, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। अब अगला पॉइंट्स क्या था? अगला पॉइंट्स है आपको मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत हुआ करता था उसका सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। याद रखिएगा, कौन था? सातवाहन आपका दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। यस, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में पाई जाती है। जो बुद्ध थे उनकी खड़ी प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? कुषाण काल में बनाई गई थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिखेड़ ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। किसकी की थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। अगला पॉइंट्स क्या है? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। किसका? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का। अगला पॉइंट्स है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास थे। अगला पॉइंट्स क्या है? गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आपको काल बताना है गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। अगला पॉइंट्स क्या है? अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, किसकी गुफाएं? अजंता की गुफाएं में गुप्त वंश, कौन से वंश के? गुप्त वंश के काल के हैं। अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। अगला पॉइंट्स क्या है? महाबलीपुरम के पांच रथ पल्लव राजवंश ने बनवाया था। काशीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन के आदेश पर निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट्स क्या है? उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था।
उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को, उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अगला पॉइंट्स क्या है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। किस मंदिर का निर्माण? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। अगला पॉइंट क्या है आपके पास, चालुक्य वंश का महान शासक, सॉरी चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। अगर आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में फंसेगा, तो आप लगा सकते हैं टिक। तोमर शासक अंगलपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है। दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो अंगलपाल को। किसको? अंगलपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है। क्या होता है? श्रेय प्राप्त होता है। यस, अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? गांधर कला। अगला पॉइंट्स क्या है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। कौन था? महिपाल प्रथम थे। कौन थे? महिपाल प्रथम थे। चोल राजाओं ने सेव धर्म को संरक्षण प्रदान की थी या संरक्षण प्रदान किया था। अब अगला पॉइंट्स क्या है आपका, महमूद गजनबी, याद रखिएगा, सोनभद्र मंदिर पे सोनभद्र सोन सॉरी सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ सोमनाथ मंदिर पर 15 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में लूटा था। उसने 25 बार उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तब वहाँ का बहुत सारा सोना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लूट पाया था। किसने? महमूद गजनबी ने। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। अगला पॉइंट्स क्या है, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्र बरदाई था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्र बरदाई था। अमीर खुसरो, बहुत बड़ी फैक्ट है अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अब बात करते हैं हम इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। इब्न तुत ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है। अगला पॉइंट्स क्या है, मंगोल आक्रमणकारी जंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। जंगेज खां जो था वो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला पॉइंट्स क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम